और मुझे विद्वता, अध्यात्म, शौर्य और साहित्य की इस नगरी में उपस्थित होने का अवसर दिया। एक विकल्प हमारे समक्ष यह भी आया था कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए ये चित्रों का वर्चुअल अनावरण किया जाए। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो संभव ना हुआ, अन्यथा हमारे इस पवित्र नगरी में आने से वंचित रह जाते। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बीच उपस्थित अपने से पहली पीढ़ी उनके चित्रों का अनावरण करना यह उनकी वंदना करने के समान है। और वंदना किसी व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की, क्योंकि वह व्यक्तित्व वो पूरे एक विचार को लक्षित करते हैं, उनको परिलक्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में आने से पहले मैं गाजीपुर को यहाँ की ऑपियम फैक्ट्री के बारे में द्वारा ही जानता था, लेकिन यहाँ आके आकर के मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान में ऑपियम फैक्ट्री के लिए इससे बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती थी। तो जहाँ विफलता मौजूद हो वहां ऑपियम सिर्फ औषधि के रूप में ही काम आ सकता है। क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां ऑपियम का पैदावार मैक्सिमम होती है। अभी इसी वंश पर जब पूर्व अध्यक्ष श्री यादव साहब आए और प्रशासनिक महोदय को उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट किया, पुष्पगुच्छ के साथ साथ उन्होंने कुछ शब्द भी कहे जो मैं सुन रहा था। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा 20 साल से मुकदमे मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ और भी उन्होंने कहा। मैं उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का मुखिया होने के नाते आपसे ये वादा कर सकता हूं कि हम यहां जो भी खाली पोस्ट है यथाशीघ्र भरने का प्रयास। मेरी जानकारी के आधार पर यहाँ कुल न्यायिक अधिकारियों की स्ट्रेंथ 44 ऑफिसर्स की है, 44 अधिकारियों की है, उनमें से 30 अधिकारी अभी यहाँ पदासीन है। परंतु जो सारे के सारा रिकॉर्ड देखने के ऊपर मेरे को लगा कि 44 अधिकारियों की स्ट्रेंथ के बावजूद यहाँ पर कोर्ट रूम 15 ही अवेलेबल है। मैंने आने से पहले न्यायालय भवन की कुछ तस्वीरें मंगाई थी, मुझे देखकर खेद हुआ कि एक जनपद न्यायालय जर्जर सी अवस्था में। निश्चित रूप से इसकी पहली जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा समाज का सबसे जागरूक हिस्सा अधिवक्ता है। जितनी जिम्मेदारी ये मेरी है उतनी आप सबकी भी थी और आप सबकी भी है। मुझे आज तक मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा, गाजीपुर से कोई शिकायत इस सिलसिले में नहीं मिली कि यहाँ पे न्यायालय भवन उस स्थिति में नहीं है जिसमें होना चाहिए। कम से कम ये सूचना अगर हमें मिली होती तो हम अवश्य इस बात का प्रयत्न करते कि यहाँ 44 कोर्ट्स के अगेंस्ट में 15 न्यायालय कक्ष है, वो जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा हो। हालांकि मेरी जानकारी में ये भी है कि अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में न्यायालय कक्षों के निर्माण का कार्य चल रहा है और कई के लिए तो पूर्ण बजट आ चुका है,
मेरा विश्वास है कि यथाशीघ्र वो कार्य पूर्ण हो जाएगा।